सब सच बताता, कुछ न छुपाता। आईना 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 सबको निहारे बिगड़ी सवारे। आईना 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 इतने दिनों से समझा रहा था, निकल जा घर से, समझ में नहीं आता हम दादी को। अरे देखता क्या है, दो थप्पड़ मारी है, सुनती नहीं है। अरे अपने आदमी की भी सुनती नहीं है ये। हमारे घर की इज्जत का सवाल है ये, समझे? पर मेरा दोष क्या है वो तो कहिए। आपने जितनी बार भी जो कुछ मांगा मैंने ला कर दिया, अब तो बस करो। बस करो, बस करो, क्या बस करो? क्या दिया है तेरे घर वालों ने? हाँ बोल, क्या दिया है तेरे घर वालों ने? ऊपर से जबान चलाती है मेरे सामने। जाने दो ना ए, अपना दिमाग काय को खराब करे। ए तू जा तेरे घर जा, और कह दे उनको अगर दोबारा यहाँ वापस भेजना है ना तो साथ में 2000 रुपए भेज दे। हाँ, साथ में। पर आप तो सोचिए कहाँ से लाएंगे इतने सारे पैसे वो लोग। आप भी आई के बातों में आ गए। ए, ए, किससे बात कर रही है तू? वो मेरी माँ है माँ, और उससे अगर जबान चलाएगी ना तो जबान खींच लूंगा तुम्हारी। मुझे मार क्यों नहीं देते आप? इस रोज रोज मार से तो छुटकारा मिलेगा मुझे। अरे जरूरत पड़ी ना तो वो भी कर देंगे, तुझे मार देंगे, समझ में आई बात? लेकिन पहले तू यहाँ से निकल जा, पहले पैसे लेकर आ, फिर देखते हैं। मेरे घर वाले गरीब है, कहाँ से देंगे आपको इतना पैसा और कितनी बार? अरे ये तो शादी करने से पहले सोच लिया होता ना तो अच्छा रहता। चल निकल अब, लेकिन परसों तक लौट आना और पैसे लेके आना। हाँ। नहीं तो टांग तोड़ दूंगा तुम्हारी। अरे कुछ तो दया करो मेरे ऊपर, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं घर कैसे जाऊंगी? मेरे पास बस के लिए भी पैसे नहीं है। वो चलकर जाएगी ना तो तबीयत भी ठीक हो जाएगी, समझी? चल गई अपन आत्मरे दो या जाएगा। चल 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 जा तू। कहाँ जाऊंगी मैं और किस मुंह से पैसे लाऊंगी मैं? बेचारे घर वालों के पास अपने खाने के लिए पैसा नहीं है। ए भगवान, तू मुझे मार क्यों नहीं डालता? मैं क्या करूं? जब सविता यहाँ आई तो वह बहुत दुखी कष्टी थी। उसको ससुराल के लोगों ने उसको मारपीट की थी। ससुराल के लोगों ने बार बार उसके पास दहेज की मांग की थी, और यह आते ही समय वो बहुत कष्टित थी। आई, क्या हुआ? अचानक कैसे आना हुआ तेरा? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। तो फिर तो रो क्यों रही है? फिर से मारा तुझे? अरे बोल तो सही, बैठी रहो। नहीं बेटी रो मत, हम कुछ तो रास्ता निकालेंगे। तू कब आई? और ये क्या, क्या हुआ तुझे, रो क्यों रही है? कुछ नहीं, आप सबको देखा तो दिल भर आया। क्यों बातें बना रही है? वही पुरानी कहानी, फिर से मार के निकाल दिया।
अब की बार कितने चाहिए उन्हें? अरे हद कर दी इन लोगों ने, शादी क्या कर दी, जिंदगी भर का गुलाम बना दिया। अब बता तो सही कितने चाहिए उन्हें? छोड़ो ना भैया, अब की बार 2000 चाहिए। क्या 2000? अरे 2000 के पीछे कितने अंडे लगते हैं पता है उन्हें? बाप रे, 2000 कहाँ से लाएंगे इतने? मैं इस बार वापस नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों, यहाँ रह के क्या करेगी तू? इतना सारा पैसा खर्च करके तेरी शादी करवाई, इतना सारा दहेज दिया, वो सब पानी में। माँ बोलो ना भैया को। क्यों, क्या हुआ? बात तो सही है उसकी। अरे यहाँ कितने दिन रहेगी तू? बेटी तो ससुराल में ही अच्छी। आप समझो, अब मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे पेट में क्या क्या कह रही है तू? तू पेट से है? तेरे घर वालों को पता है? लो, खुद की जिंदगी संभाली नहीं जाती है, और ऊपर से एक और मुसीबत। मुसीबत? ठीक है, आपके लिए मुसीबत होगी, लेकिन मेरे लिए तो ये जिंदगी है। लो, ये मुसीबत घर से कब निकलेगी पता नहीं। अजय सुनते हो? क्या? कितने दिन में घर में पड़ी है? सोचता हूँ कुछ उसके बारे में। तू क्यों इतना गुस्सा हो रही है? लेकिन इसमें सभी का भी क्या दोष है? हाँ हाँ, आपकी जो बहन ढेरी, यहाँ घर चलाना आपको कहाँ पड़ता है? एक तो अनाज नहीं मिलता, और ऊपर से दो मुसीबतें। धीरे बोल, अगर कहीं उसने सुन लिया तो। मैं नहीं किसी से डरती, सुने तो अच्छा ही होगा। कितने दिन से घर में पड़ी है मुसीबत कही की? शादी होने के बाद मैं ससुराल गई, वहां मैं 4 महीने रही। वहां मेरे ससुर मुझे तंग करने लगे। मेरे पति अपनी माँ की सुनते थे, और मेरी सास और मेरे पति मिलकर मुझे मारते थे, इसलिए मैं वहाँ नहीं रह पाई। और मैं अपने मैके आश्रय लेने के लिए चली आई। मैके आने के बाद मैंने मीना यानी मेरी बेटी को जन्म दिया। अब मेरी बेटी ही मेरे भविष्य काल का आधार है। तो फिर तूने क्या सोचा है बेटी? नहीं माँ, अब मैं उस घर में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अब मैं अकेली थोड़ी हूँ, मेरी गुड़िया तो बड़ी होने लगी है। इसलिए तो कह रही हूँ, उसकी जिंदगी की भी तो सोच, उसे भी तो बाप की जरूरत पड़ेगी ना। तू ही बता माँ, गुड़िया इतनी बड़ी हो गई लेकिन एक बार भी देखने आए वो लोग? अब तो मैं ही उसकी माँ हूँ और मैं ही उसका बाप। कैसी बात कह रहे है तू बेटी, कितने दिन अकेली रहेगी तू? तेरे ससुराल वाले आने वाले हैं, संदेशा आया था उनका। क्यों आ रहे वो? अब क्या चाहिए उन्हें? हम दोनों की जान? मैं नहीं मिलना चाहती उनसे। पर बात तो सुन, कहां तक तो इस घर में पड़ी रहेगी? पर ये मेरा भी तो घर है सिर्फ। हाँ हाँ, ये घर तुम्हारा भी है, पर तुम्हारे भाई भाभी सबका देखना पड़ता है। मैं भी तो उन्हीं के सहारे जी रही हूँ। ओ, अब हम दोनों भैया भाभी को भी भारी पड़ने लगे, उस दिन भी मैंने सुना था। ऐसी कोई बात नहीं है, दो लोगों का बोझ तो है ना उन पर। समझ गई, अब सब समझ में आ रहा है। ठीक है, अब मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं उनकी जिंदगी में बोझ न बनूं। हाँ फिर तो आपने क्या सोचा है? कब भेज रहे हैं इन दोनों को? बस अब अच्छा दिन बता दीजिए, हम इन्हें भेज देंगे। अब अच्छे दिन में रखा क्या है, इनके लिए तो सभी दिन अच्छे ही है। आप इन्हें आज ही ले जाइए। वैसे तो ले जाने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है,
पर आप लोगों को भी तो समय चाहिए ना सब तैयारी करने का। अब इसमें तैयारी क्या करनी है, अब चाय पीजिए, मैं इनका सामान बांध के देती हूँ। अरे इतनी भी क्या जल्दी है तुझे इसे निकालने की? आप बीच में मत बोलो माँ, ये जो कहती है ना सही है। अरे अगर जाना ही है तो आज क्यों नहीं? अरे दीदी ऐसे खाली हाथ भेज देंगे आप? अरे पहली बार तो मैं अपने पोती को ले जा रही हूँ, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा ना आपको साथ में। क्या रे मैं ठीक कह रही हूँ ना? अरे कुछ तो बोल बाबा। हाँ हाँ सही बात है, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। हाँ हाँ दो दो तीन हजार कम से कम। दो तीन हजार? मुझे नहीं आना है आपके घर में, शादी को व्यापार बना दिया है आप लोगों ने। और भैया मैं आपके ऊपर बोझ बन के नहीं रहना चाहती, मैं अपना रास्ता खुद निकाल लूंगी, मैं किसी पे बोझ नहीं बन के रहना चाहती। अरे सभी क्या बोल रही है तू, जरा सुन तो सही। मुझे नहीं सुनना किसी का कुछ, बस मुझे जीने दीजिए। मैंने अपने माँ का घर इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं अपने भाई और अपने भाभी को दिक्कत नहीं देना चाहती थी। मैंने अपने माँ के घर के पास ही एक कमरा ले लिया। 8 घंटे के काम के लिए मुझे 2.5 रुपये मिलता था और ओवर टाइम किया तो दिन के 5 रुपये मिलते थे। सविता पौड़वाल मेरी विद्यार्थी थी, आश्रम में आने के पहले वो मेरी छात्रा थी। फिर उसकी शादी हो गई और उसको एक बच्ची भी हो गई, लेकिन शादी चली नहीं, शादी टूट गई। 4-5 साल सविता इधर उधर रही। जब वह मुझसे मिली मैंने उससे कहा कि तुम आश्रम में क्यों नहीं आती, तो वो आ गई। जो महिलाश्रम में अनेक बहनों आती है उसका भाई नहीं रहता है, माँ नहीं रहती है, ना बाप रहता है, संस्था ही उसका माँ बाप और बहन रहता है। इस प्यार से खुला ये आसमान और नीचे का धरती पकड़ के ये सब संस्था का बाल बच्चा खेल रहता है। हमेशा ऐसा लगता है कि इस संस्था में काम करते टाइम बहुत खुशी रहती है। अरे सविता यही आती है, बैठ। मेरा संदेश मिला था तुझे, तभी तो आपको मिलने चली आई थी। क्या कर रही हो आजकल? कुछ खास नहीं, बस गुजारा हो जाए उतना कमा लेती हूँ। घर से बाहर निकल गई और ससुराल वालों को तो पैसे से मतलब था, उन्हें भी छोड़ दिया। देख तू एक काम कर लेना, तू यहाँ आश्रम में रहने चले आ जा, तुझे जो भी अच्छा लगे वही काम करना, और हो सके तो साथ में पढ़ाई भी फिर से शुरू करना। वो अब कहाँ होगा ताई, जो पढ़ी थी वो भी भूल गई हूँ, और पढ़ाई से मेरा और मेरे बेटी का तो पेट भरने वाला है। पेट भी भर जाएगा, तू चिंता क्यों करती हो, पहले पढ़ाई शुरू कर दे। अरे बाद में देखते हैं क्या करना है तुझे। अब मेरे से पढ़ाई कहाँ होगी ताई? नहीं मेरे से पढ़ाई अब नहीं होगी। बिना सोचे तूने ये कैसे समझ लिया कि तू नहीं पढ़ सकेगी? और तू नहीं पढ़ेगी तो तेरी बेटी को भी लोगों के घर में जिंदगी भर काम करवाएगी? नहीं वो तो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। तो ठीक है तू आश्रम में रहने आ जा बच्ची को लेकर,
तुझे जो भी अच्छा लगे वो ही काम कर, बाद में सोच के बता देना कि क्या करना है तुझे। बात तो सही है ताई, कितने दिनों तक लोगों के घर के बर्तन साफ करती रहूंगी, आखिर में मेरे बेटी के भविष्य का भी तो सोचना है मुझे। मैंने उससे कहा तुम दाई का कोर्स कर लो तो तुम्हें हॉस्टल में या किसी अस्पताल में नौकरी मिल जाएगी। वो कोर्स करके यहीं आ गई। 1982 में जब सोशल वर्क बोर्ड ने हमें रिमांड होम दिया तब उसने केयरटेकर की नौकरी कर ली यहीं आश्रम में। चूंकि वो पढ़ी लिखी है और किताबें पढ़ सकती है, वो बच्चों की देखभाल भी कर सकती है, वो समझ सकती है कि उनके साथ कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है। अप्रिता, अप्रिता, अप्रिता क्या हुआ बेटा? अरे मेरी तरफ देख, क्या हुआ? हाँ क्या हुआ रे इसका? ताई ताई उसको माँ की याद आ रही है। हाँ अरे तुझे माँ की याद आती है? अरे मैं भी तो तेरी माँ हूँ, इसलिए खाना नहीं खा रही है? चलो खाना खाते हैं पहले। हाँ मैं तुझको खिलाती हूँ, खाएगी ना मेरी अच्छी बेटी? खा। ताई आज रात को कौन सी कहानी सुनाऊंगी? चंदा मामा वाली चलेगी? अच्छा तो राजा रानी वाली कहानी सुना? हाँ प्रीता चलेगा? ठीक है राज को मैं आज राजा रानी वाली कहानी सुनाऊंगी। चलो अब सब मिलके खाना खाते आओ। चलो सविता पंडोर का प्रॉब्लम तो अलग था, उसका कोई वैसा, वो तो संसारी स्त्री थी, लेकिन घर के प्रॉब्लम के वो उसका पति वो दारू पीता था, उसको मारझोड़ करता था, उसका संसार का सुख नहीं था, इसके वास्ते उसने घर छोड़ दिया और कुमुत्ताई के पास वो आ गए। और कुमुत्ताई का वो तो नेचुरल वैसा तो यही था, ऐसा कोई लड़की स्त्री आ गई, हाँ प्रॉब्लमेटिक स्त्री आ गई कि उनको सहारा देने का, हाँ उसको उसमें वो प्रॉब्लम से निकाल देने का, ये तो उनका ये फर्ज वो मानती रहती थी पहले ही, पहले से। इसके वास्ते उसने कुमुत्ताई ने उनको अपने आश्रम में स्थान दिया, उसको उसको पढ़ाया। और जब ही आश्रम में ही एक जगह खाली हो गई तो जो अपने आश्रम में पैदा हुई है, आश्रम में रह गई है, उसको आश्रम के संस्कार हो गया है, आश्रम क्या है वो उसको मालूम है, आश्रम की रचना कैसे उधर का कैसा काम चल रहा है ये उसको पूरा मालूम था। इसके वास्ते जो जगह खाली थी उसी जगह पर उसके अपॉइंटमेंट करके उसका रिहैबिलिटेशन कर दिया। क्या करे अब इस सविता का, उसे तकलीफ तो है, कुछ तो सोचना पड़ेगा। ताई दूसरा कौन सा भी काम दे दो मुझे, लेकिन रसोई में मुझे घुटन सी महसूस होती है, सांस ही नहीं ले पाती हूँ मैं उस धुएं में। तू वापस पढ़ाई शुरू करके डीएड क्यों नहीं कर लेती, उसमें तेरा भी काम हो जाएगा और हमारा भी। हाँ सविता हमें भी शिक्षिका की जरूरत है जो आश्रम के बालकों को पढ़ा सके। लेकिन मेरे से मुश्किल है, पढ़ाई सिलाई इन सब बातों में मेरा अभी मन ही नहीं लगता, क्या करूं मैं? सविता मुझे लगता है कि तुम्हें बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, तू उनकी देखभाल भी बिना बताए कर देती है। वो तो बेचारे बच्चे हैं ताई, जब मेरे पास कोई काम नहीं होता है ना तो मैं उनकी देखभाल करती हूँ। ताई वो जो आप कह रहे थे सविता को कहाँ भेजना है? वही तो मैं बताने जा रही थी। सविता हमारे आश्रम से दो औरतों को दाई के ट्रेनिंग के लिए भेजना है, तो ऐसा करो तुम और उषा चले जाओ। पर ताई मुझे तो कुछ भी आता नहीं है, और ये तो जिंदगी से खेलने की बात हुई, कुछ गड़बड़ हो गई तो बच्चा और माँ दोनों की जिंदगी को खतरा है। अरे तू चिंता क्यों करती हो, तुम्हें ट्रेनिंग में सब कुछ सिखा देंगे। यानी इतने बरसों बाद फिर से मुझे पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी? तो सविता तुझे लोगों के लिए पढ़ना है, तू किसी की जिंदगी बचाएगी और किसी को नई जिंदगी दे। देख सविता आसपास के गांव में कोई भी डॉक्टर या पढ़ी लिखी दाई नहीं है, अगर तू सीख के आएगी तो सबकी भलाई होगी और तेरी कमाई भी। पर बात तो वही हुई ना ताई। कौन से पढ़ाई वाली? ठीक है आप सब कह
कहती है तो मैं ट्रेनिंग में भी चली जाऊंगी। एक तो समाज में जो विस्थापित महिलाएं हैं या जिन्हें कोई आधार नहीं, उन महिलाओं के लिए बड़ा ही आधार है। विस्थापित महिलाओं को न केवल ये संस्था आधार देती है बल्कि उनको उनके उपजीविका के कई साधन जुटाती है और उन्हें पुनर्वसित करती है। यदि ऐसी संस्थाएं समाज में ना हो तो शरीर विक्रय के अलावा इन महिलाओं के लिए कोई अन्य चारा नहीं रहेगा। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम महिलाओं के लिए और निराधार जो बच्चे हैं उनके लिए भी आधार देने का बहुत बड़ा कार्य और योगदान समाज के लिए ऐसी संस्थाएं करती है। अरे सविता, कहाँ थी तुम? पूरा दिन मैंने तुम्हारा इंतजार किया। सरोज की डिलीवरी करके आई हूँ। रात भर वही थी क्या? क्या करूँ, बच्चा फंस गया था, उतर ही नहीं रहा था। रात भर की मेहनत हुई लेकिन अब सब ठीक हुआ, सरोज को लड़की हुई। वो तो तेरी पढ़ाई ही काम आई, नहीं तो पता नहीं सरोज का क्या हो जाता। अरे मैं तो इस किताब से पीछा छुड़ाने वाली थी लेकिन ये किताबें हैं कि मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। तू पढ़ी, ये बहुत अच्छा हुआ, इसलिए ही सरोज की जान बच गई। अरे यह तो बता, तुम्हारे उस अस्पताल की नौकरी का क्या हुआ? क्या होना था, कुछ नहीं, बोलते है जगह ही नहीं है, पता नहीं ऐसा कितना दिन खींच पाऊंगी मैं। यह सही है, तुम्हें तुम्हारी बच्ची का भी सोचना है, अब क्या करेगी? फिर से मिलूंगी कुमुद ताई से, पिछली बार कहा था कि वही एक जगह है, वही नौकरी करूंगी, मुझे वहां तो सहारा मिला था पहले। वो अच्छी पढ़ी लिखी है, क्वालिफाइड है, उसे अब 18-20 साल की लड़की भी है। वो हमारे आश्रम में ही रहती है, जब हमारे यहाँ औरतें आती हैं, बच्चे आते हैं, हम उन्हें आश्रम में रखते हैं, जब तक वो समझदार नहीं हो जाते, कुछ काम नहीं ढूंढ लेते, वो यहीं आश्रम में रहते हैं। यहाँ आश्रम की 5-6 केयर टेकर पहले यही आश्रम में रहती थी, बाद में वो यहीं पे नौकरी पर लग गई। अभी वो आश्रम के जो कर्मचारी है वो हायर अथॉरिटी से अपने को पूछताछ होती है कि अपने यहाँ जो कोई अच्छा काम करने वाला कर्मचारी हो उसका नाम अवार्ड के लिए भेज दो। इसी के अपन पहले एक आदमी को, एक कर्मचारी को अवार्ड मिला था, बाद में नेक्स्ट ईयर को जो पूछताछ की तभी अपने आश्रम में ही जिसने रहकर जो संस्कार लिए है और वो संस्कार से ही वो आश्रम में ही अपने कर्मचारी करके काम करती है, वो आदर्श कर्मचारी करके काम कर रही है, जो कुछ उसको काम सौंपा दिया है वो अच्छी तरह से वो निभा लेती है, इसके वास्ते उसका नाम प्रपोज किया और उसको अवार्ड मिला, और वो अवार्ड मिला वो उसको मिला और अपने आश्रम को मिला, ये समाधान हमको बहुत बड़ा समाधान है। कुछ न छुपाता आईना, 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 सबको निहारे बिगड़ी सवारी।